नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिक गर्ल पर, जहां पर आपको मिलती है क्रिकेट की दुनिया की सारी खबरें। विराट कोहली ने खुद को साबित किया T20 का किंग। जी हां, टीम इंडिया 7 विकेट से जीती और हम आपको पूरे मैच का हाल बताएंगे। उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। टीम इंडिया ने 150 रनों का लक्ष्य एक ओवर पहले ही हासिल कर लिया। भारत की जीत के हीरो कप्तान विराट कोहली रहे, जिन्होंने नाबाद 72 रन बनाए। भारत ने अपने घर पर पहली बार साउथ अफ्रीका को T20 मैच में मात दी। विराट कोहली के अर्धशतक के अलावा धवन ने भी 40 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल सके और 12 रन बना करके आउट हो गए। 7.4 ओवर में टीम इंडिया ने 50 रन पूरे किए। भारत का दूसरा विकेट 12वें ओवर में गिरा। शिखर धवन 40 रन बना करके आउट हुए। शमी की गेंद पर डेविड मिलर ने उनका बेहतरीन कैच लपका। ऋषभ पंत एक बार फिर से चौथे नंबर पर आए और फ्लॉप साबित हुए। ऋषभ पंत ने महज 4 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 16 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को उसके कप्तान डिकॉक ने तेज शुरुआत दी, लेकिन दूसरे ओपनर रीजा हेंड्रिक्स चौथे ओवर में दीपक चाहर का शिकार हो गए। हेंड्रिक्स ने 6 रन बनाए। पावर प्ले में साउथ अफ्रीका ने एक विकेट पर 39 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के 50 रन 7.5 ओवर में पूरे हुए। टेम्बा बवुमा ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर छक्का लगा करके टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचाया। 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट पर 78 रन बनाए। 11वें ओवर में डिकॉक ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बायुमा ने 49 रन बनाए और उन्हें दीपक चाहर ने आउट किया। हालांकि अगले ओवर में वो नवदीप सैनी को 52 रनों के निजी स्कोर पर कैच थमा बैठे। विराट कोहली ने डिकॉक का जबरदस्त कैच लपका। 13वें ओवर में जडेजा ने दूसरा को एक रन पर अपनी ही गेंद पर लपका। साउथ अफ्रीका ने 13.3 ओवर में 100 रन पूरे किए। स्लॉग ओवर्स में भारत ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन नवदीप सैनी ने आखिरी ओवर में 16 रन दे दिए, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम 149 रनों तक पहुंच गई। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस मैच के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर के अपनी राय जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।